ओके, तो देखो कुछ दिन पहले मनोज वाजपेयी ने अपने इंस्टाग्राम पे जब एक पोस्ट की थी कि वो अपनी फैमिली के साथ वापस आ रहे हैं, तब मुझे लगा था कि द फैमिली मैन का सीजन 3 अनाउंस हो गया है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो गुलमोहर फिल्म की बात कर रहे हैं। सो हॉटस्टार पे मैंने आज ही गुलमोहर नाम की फिल्म देखी जिसमें लीड रोल में है मनोज वाजपेयी और शर्मिला टैगोर जी, और ये फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म शायद थिएट्रिकल रिलीज डिजर्व करती है। अब गुलमोहर नाम का एक विला है दिल्ली में जहाँ पे बत्रा फैमिली सालों से रह रही है। अब इस घर की जो मालकिन होती है कुसुम बत्रा, जिनका रोल शर्मिला टैगोर जी ने प्ले किया है, उन्होंने इस घर में पार्टी रखी होती है और उस पार्टी में सारे फैमिली मेंबर आते हैं। अब पार्टी का इंटेंट ये होता है कि इन सबकी उस घर में ये आखिरी रात होती है, क्योंकि सबको पता है कि उनकी जो माताजी है कुसुम बत्रा जी, उन्होंने ये घर बेच दिया है। लेकिन उस पार्टी में वो दो अनाउंसमेंट और करती है जिससे घर में पूरा कैओस मच जाता है। सबसे पहले तो वो उन्हें ये बताती है कि ये घर बेचने के बाद वो पांडिचेरी शिफ्ट हो रही है, और सेकंड चीज ये होती है कि उनका ऐसा कहना होता है कि 2-3 दिन बाद ना होली का त्योहार आने वाला रहता है, तो वो कहते हैं कि इस घर में होली आखिरी बार सेलिब्रेट होगी पूरी फैमिली मेंबर के साथ। अब आगे जाके ये फैमिली इस घर में अपनी आखिरी होली कुसुम जी के साथ सेलिब्रेट कर पाती है कि नहीं, यही आपको इस फिल्म में देखने मिलेगा। अब देखो हिंदी फिल्मों में फैमिली ड्रामा का जो बेंचमार्क सेट किया था ना, वो बरजाता और धर्मा मूवीज ने किया था। धर्मा की कपूर एंड सन्स वो एक में वैसी फिल्म थी जो थोड़ी एक्सेप्शनल थी उनके टिपिकल फैमिली ड्रामा से, और उसी की लीग में मैं इसी फिल्म को भी ऐड करना चाहूंगा। देखो गुलमोहर का जो प्लॉट है ना, वो सुनने में तुमको ऐसा लगेगा कि बहुत नॉर्मल है, लेकिन इसमें ना बहुत सारे छोटे छोटे सब प्लॉट है। जैसे मनोज वाजपेयी का अपना एक अलग प्लॉट चल रहा है, कुसुम बत्रा जी जो है उनका एक अलग प्लॉट चल रहा है, और फैमिली में ना ऐसे और 2-3 छोटे मेंबर है जिनका अपना अपना एक छोटा सा सबप्लॉट चल रहा है, और एट दी एंड वो सब अच्छे से एकदम कंक्लूड होता है और देखने में मजा आ जाता है। फिल्म की जो राइटिंग है वो बहुत ही शानदार की गई है, स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया लिखा गया है, स्पेशली छोटे छोटे कैरेक्टर है, मतलब नौकर का, चौकीदार, सारे कैरेक्टर्स को, फिर वो छोटा हो या बड़ा, उन सबको ना एकदम अच्छे से बिल्डअप किया गया है इस फिल्म में। यहाँ पे बत्रा फैमिली के जो छोटे मोटे मेंबर है ना, उनसे ना हम थोड़ा रिलेट कर पाते हैं, जैसे कि किसी के करियर का इशू है, किसी के रिलेशनशिप का इशू है। अब देखो ये है तो एक फैमिली फिल्म, इसमें एक हल्का सा बोल्ड टेक है जो शायद सबको पसंद नहीं आएगा, लेकिन वो देखने के बावजूद भी ना आपका फिल्म देखने का मजा जो है ना वो कहीं पे भी स्पॉइल नहीं होगा। फिल्म में जो परफॉर्मेंसेस है वो सबके अच्छे, सबके मतलब सबके अच्छे, सबने अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, स्पेशली मनोज वाजपेयी। अब देखो इनका नाम तो आना ही है भाई, अब इनके कैरेक्टर को एंजाइटी इश्यूज रहते हैं, तो अपने पिताजी की विल पढ़ते टाइम एंजाइटी आना, सुबह जब जॉगिंग के लिए जाते हैं तब उसके बाद है ना मनोज वाजपेयी के कैरेक्टर को उनके पिताजी के डेथ का जो इंसिडेंट होता है वो उनके दिमाग में आता है, तो वो उसे रिकॉल करते हैं, वो सीन है। तो इन सब सीन में ना मनोज वाजपेयी जी दिखा देते हैं कि उनकी जो कैपेबिलिटीज है ना एज एन एक्टर वो बहुत बढ़िया है। मनोज वाजपेयी और शर्मिला टैगोर इतने दो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर को एक स्क्रीन पे देखना ना बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। कुछ पॉइंट पे ये फिल्म बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, और अगर आप सॉफ्ट हार्टेड हो ना तो आपको रोना पक्का आएगा। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से गुलमोहर फिल्म में जो बत्रा फैमिली है उनसे हम रिलेट कर पाते हैं। ये फैमिली जो है ना, ये ऊपर ऊपर से देखने के लिए तो साथ है, लेकिन इंटरनली इनके बहुत सारे इश्यूज है जो एक्चुअली हम सब फेस कर रहे हैं आज के टाइम पे। अब आखिर में इन सब चीजों को ये फैमिली कैसे ओवरकम करती है, यही अपने को इस फिल्म में देखने मिलता है। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर कोई ऑडियंस ये फिल्म अपने फैमिली के साथ देखती है ना, तो वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट जरूर करेंगे ये फिल्म खत्म होने के बाद। सो गुलमोहर एक आज के टाइम का बोल्ड फैमिली ड्रामा है जो आपको थरली इंटरटेन करता है, एक भी बोरिंग सीन नहीं है, कैरेक्टर आर्क बहुत अच्छे है, एंड में जो कैरेक्टर्स को कंक्लूजन दिया है वो बहुत अच्छे है, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये फिल्म देखने के बाद आपके आपके फैमिली के साथ जो रिलेशन है ना वो थोड़े और अच्छे हो जाएंगे। एनीवे, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट करके बताइए आपको फिल्म कैसी लगी, और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप मिलते हैं अगले वीडियो में।